तमाम दर्शकों, आप सभी का फिर से अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक विशेष चर्चा, यहाँ पर ग्रह गोचर की स्थितियों को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। हम बात करने वाले हैं वक्री बुध को लेकर के। हम वक्री बुध की स्थिति पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बुध आपकी कुंडली में वक्री हैं या फिर गोचर बस वक्री हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बुध क्या फल देंगे, क्या परिणाम देंगे। आप लोग अपनी जन्म कुंडली को निकाल करके भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर बुध की स्थिति क्या है। यहां पर खास बात यह भी है, जब भी हम रेट्रोग्रेड कोई भी ग्रह हो, हम उसकी जब चर्चा करते हैं, उसके प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं, तो हम के उसके उसके फलादेश में हमें कुछ चीजों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले प्लैनेट्स की स्थिति क्या है, ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं, स्वराशिस्त हैं या शत्रु राशिस्त हैं, शत्रु क्षेत्र में हैं या मित्र क्षेत्र में है। इसके साथ साथ में हमें ग्रह के बलाबल पर विचार करना चाहिए। इन सभी चीजों को देखने के बाद हमें इसके फल को समझने का प्रयास करना चाहिए। बुध जब भी वक्री होता है, वैसे परिणाम स्वरूप कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में आते हैं तो अपने एक विशेष प्रभाव को 3 गुना शक्तिशाली होकर प्रभाव देते हैं। अब आपको यह देखना है कि वो प्रभाव हमें शुभ मिलने वाला है या अशुभ मिलने वाला है, इसमें खास बात ध्यान रखने की, क्योंकि अगर उसकी स्थिति अनुकूल नहीं है और वो गोचर में वक्री हो रहे हैं तो ऐसे में आपको उसका जो नकारात्मक प्रभाव रहेगा वह भी 3 गुना तेजी से मिलेगा। अब यहां पर इन्हीं चीजों को हम लोग ध्यान में रखें। अभी गोचर वश भी, जैसे कि सितंबर में हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो बुध की स्थिति बहुत बार वक्री और मार्गियों की यहां पर देख रहे हैं आप लोग। अभी हम शुक्र की राशि परिवर्तन पर हम लोगों ने चर्चा किया था और लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि शुक्र बुध की, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण महायोग, इस पर मैं अलग से स्वतंत्र भी चर्चा कर चुका हूँ और इस पर ग्रह गोचर पर भी चर्चा कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं वहां लिंक के माध्यम से। अब देखिए मरकरी यहाँ पर लिब्रा में आए, कब, ये 22 सितंबर को यहाँ पर इनका ट्रांजिट हुआ था 8:20 पर। उसके बाद ये वक्री हुए 27 सितंबर को और 10:36, फिर यहाँ पर जो है ये कन्या में वक्री होंगे, अब कब, 2 अक्टूबर को जाकर। तो ये वक्री 2:45 वक्री का इनका समय रहेगा। उसके बाद नवंबर में जाकर के फिर ये तुला राशि पर आ जाएंगे, तो बड़ा एक फेरबदल है और इसी फेरबदल को लेकर आज के कार्यक्रम है और मैं 12 राशियों पर इसके परिणाम को लेकर चर्चा करने वाला हूं। तो दर्शकों, यदि बुध वक्री होते हैं तो बहुत सारे लोग बाद में अगर हम उसके सामान्य फल बताते हैं तो उनका कहना होता है कि आप हमें हर लग्न के हिसाब से बताते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। आज मैं लग्न और राशि दोनों के आधार पर बताऊंगा, आप इसको बड़े अच्छे से समझें और स्टेप दर स्टेप समझें ताकि आपको बात पूरी समझ में आ सके। तो दर्शकों, हम यहां पर बात करेंगे रेट्रोग्रेड मरकरी की। मरकरी के परिवर्तन अवस्था पर यहां पर क्या प्रभाव रहेगा। मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और गोचर के हिसाब से माने तो मान लो मेष राशि है। अब एक चीज हमें यहां पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कई बार कई लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं कि क्या लग्न के आधार पर है या राशि के हिसाब से। देखो, गोचर का प्रभाव हमेशा राशि के आधार पर पड़ता है और जो जन्मकालिक स्थिति को हम लोग देखना चाहते हैं वो हमेशा लग्न के हिसाब से ही देखी जाती है, फिर राशि का महत्व तो नहीं रहता, क्योंकि राशि का महत्व तो हमें गोचर पर देखना होता है। तो जब भी मैं गोचर ग्रहों के परिवर्तन को लेकर चर्चा करता हूं, मैं या कोई भी, तो वो राशि के आधार पर ही चर्चा रहती है, यानी आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर चर्चा रहती है। तो दर्शकों, अगर यहां पर हम गोचर के आधार पर माने तो हमें राशि देखनी चाहिए और यदि हम जन्म कुंडली आधार देख रहे हैं तो हमें लग्न को देखना चाहिए। अब देखिए, यहां पर बुध जो है वो वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। बुध को व्यापार का सर्वश्रेष्ठतम ग्रह माना जाता है और बुध की एक विशेष विशेषता है कि बहुत तीव्र गति से जो है अपने प्रभाव को देता है।
रिजल्ट जो बुध देता है वो बहुत तेजी के साथ देता है। इसके कारण कई हैं। एक तो नैसर्गिक ग्रह बल में, नैसर्गिक व्यवस्थाओं में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। एक तो वो युवा है, दूसरा वो राजकुमार है। अब राजकुमार तो राजा से भी ज्यादा कई बार फैसले लेते हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर त्वरित कार्रवाई जो है बुध करते हैं। तो जब वो वक्री अवस्था में होते हैं, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, ऐसी अवस्था में बुध आपको अत्यंत सुखद और सफल परिणाम देते हैं। खासकर जो व्यक्ति व्यापार में हो, या फिर जो फिल्म सॉरी मीडिया के क्षेत्र में कहीं कहीं हो, या सोशल मीडिया के क्षेत्र में हो, तो पत्रकारिता जगत के लिए, वकालत के लिए, इन सब चीजों के लिए बुध का एक विशेष प्रभाव देखा जाता है। तो दर्शकों, आज हम लोग यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं, तो मेष लग्न यानी फर्स्ट हाउस में यदि आपके गोचर कर रहे हैं या कुंडली के अंदर बैठे बकरी हैं, अगर गोचर के हिसाब से अभी की स्थिति को जैसे हम मान ले, तो तुला राशि वालों के लिए तो लग्न में होंगे, और अगर फर्स्ट हाउस में बुध की स्थिति वक्री हो जाती है तो किन किन चीजों में यहां पर सुधार करेंगे। एक तो कहीं ना कहीं जहां आपके स्वास्थ्य पर कोई नेगेटिव इफेक्ट था, अब वो सकारात्मक प्रभाव को लेकर यहां पर आएंगे, क्योंकि अब आपको बुध यहां पर सोचने पे विवश करेंगे, और जब आपको लगेगा कि हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हेल्थ इश्यूज मान लो यहाँ पर कोई प्रकट हो गया है, कोई आपको दिक्कतें हैं, कोई तो आप उस पर विचार करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो जब आप वहां पर पहुंचेंगे, उस बिंदु पर पहुंचेंगे, तो आप वहां पर उसके लिए सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये खास चीज है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो बुध यहां पर आपको बुद्धि का चातुर्य आपको प्रदान करेगा, और बुद्धि से अगर व्यक्ति कार्य लेता है, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का अपना काम करता है। सेवंथ हाउस पर उसकी दृष्टि रहेगी, यानी मैरिड लाइफ से संबंधित भी कहीं ना कहीं आपको सुख प्रदान यहां पर करेंगे। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में लव पार्टनर का कोई जो सहयोग है, वो आपको यहाँ पर भरपूर मिलता हुआ नजर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे फर्स्ट हाउस के अंदर वक्री ग्रह का जो परिणाम रहेगा वो किन किन चीजों पर अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सभी चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर इस चीज का विचार करेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंड हाउस पर, यानी द्वितीय भाव पर, अगर हम राशि के आधार पर माने, तो हमें फिर कन्या राशि लेनी होगी। तो ऐसी स्थिति में जब सेकंड हाउस के अंदर यह आपका विराजित रहेंगे बुध, तो आपका यहां पर धन का घर माना जाता है द्वितीय भाव को। सेकंड हाउस हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है, पैतृक संपत्ति को, कुटुंब को, परिवार को, इन सब चीजों को सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब आपको इन सब चीजों से जो यहां पर बलाबल है, अब मैं इसकी जो बेसिक स्थिति है वो आपको समझा चुका हूं। अगर नहीं आपने सुना है, तो आप उसको जाकर पहले सुने, समझें, और फिर यहां लौटकर अपनी राशि पर या अपने लग्न पर आए। अब इसको हम लोग द्वितीय भाव से संबंधित जो जो वहां के कारक हैं, उन चीजों पर यह बुध अपना सकारात्मक प्रभाव को यहां पर डालेगा। आंख की बात करें, तो नेत्रों की भी यहां पर जो है द्वितीय भाव से हम लोग देखते हैं, आकस्मिक धन के आने के जो चांस होते हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। पैतृक संपत्ति का मान लो कोई मामला है, उसमें विवाद चल रहा है, उसको निपटारा नहीं हो पा रहा है, हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, या सॉरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए तो कोई सोचेगा ही नहीं, हर कोई चाहेगा मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा, इन सब चीज का विचार भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और बुध यदि यहाँ रेट्रोग्रेड होकर के आते हैं, तो ये आपको चुटकियों में काम कराएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट गति से ये काम करेंगे। थर्ड हाउस के अंदर अगर स्थिति बनती है, तो यहाँ पर पराक्रम को मजबूत करेंगे, आपके प्रभाव को मजबूत करेंगे, भाई बहनों के सहयोग को कहीं ना कहीं बुध घुमा करके वहां तक पहुंचाएंगे। खासकर बुध एक तरफ जहां बहन का भी प्रतीक हम लोग इसको मानते हैं, बहन के लिए विचार करने के लिए हमें बुध को देखना पड़ता है, और यहाँ थर्ड हाउस की स्थिति को भाई और बहनों का ही हमें विचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ भी जो ट्यूनिंग का मामला है वो यहाँ पर ठीक बैठता हुआ नजर आएगा। मित्रों का सहयोग या पारिवारिक जनों का सहयोग भी यहाँ पर ये प्रदान करेंगे। व्यापार में यहाँ पर ये तरक्की को जो सेकेंड हाउस के अंदर भी और थर्ड हाउस के अंदर भी वहां इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे। अगर चतुर्थ भाव में स्तुति बनती है, अगर हम राशि के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो ये आपका कर्क राशि का आधार बनेगा। ठीक है, तो
हाँ चौथे में। तो मान लो कर्क में भी यहां पर बैठते हैं तो कर्क राशि, कर्क लग्न का जो हिसाब किताब बैठेगा उसके लिए मान लो चौथे भाव की, अब चौथा जो भाव होगा जब वहां पर ये विराजित होंगे तो वहां पर क्या इसका इफेक्ट रहेगा कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए यहां पर ये आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करने वाले होंगे, आपके जो सुख संसाधन है भौतिक संसाधन है उनको जुटाने में यहां बुध आपको सपोर्ट करेगा चौथे भाव के अंदर जब बुध रेट्रोगेट रहेंगे। यहां पर आपको कहीं ना कहीं अगर कोई मिस्टेक बस कहीं माता के साथ विवाद हो रहा था या उनसे कुछ वैमनस्य की स्थितियां बन रही थी, कई बार देखा जाता है कि जो है यहाँ से संबंधित सुख संसाधन की हम बात करें वाहन आदि के जुटाने के लिए हम बहुत प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन स्थितियां उतना हमारे पक्ष में नहीं बन पा रही हैं। तो अगर यहाँ पर रेट्रोग्रेड बुध की स्थिति आती है वो वहां पर उनकी प्लेसमेंट होती है तो आप ये मान के चलें या गोचर बस वहां पर आते हैं तो तब आप ये मान करके चलें कि बुध आपको वहां सपोर्ट करेंगे और उन तमाम संसाधनों को आप जुटाने में सक्षम हो पाएंगे। दशम के सामने से इनकी कहीं ना कहीं दृष्टि रहेगी तो 10th हाउस रिलेटेड भी जो चीजें हैं वहां भी हमें इसको विचार करना चाहिए और वहां पर भी इंक्रीज करेंगे। अब हम 5th हाउस के अंदर इसकी बात कर लेते हैं, वहां इनकी प्लेसमेंट क्या इसका रिजल्ट यहाँ पर रहेगा, क्या इसके इफेक्ट रहेंगे। देखिए पंचम भाव में यहाँ पर जब रहेंगे तो एक तो बुद्धि कुशाग्र बुद्धि की ओर ये बढ़ाएगा, दूसरा बृहस्पति जहाँ विद्या के कारक माने जाते हैं वहां ही हम लोग बुध को भी विचार करेंगे पंचम में, ये विद्या वाणी की ओर उसको अट्रैक्ट बनाएंगे। इसीलिए पत्रकारिता के फील्ड में जो लोग हैं या बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं क्योंकि इनका सबका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है भाई, जब विद्या होगी तभी तो आप उसमें चाहे व्यापार करें नौकरी करें या जो भी आपकी दक्षता है कहां से होगी, एजुकेशन, तो एजुकेशन फर्स्ट है। तो ये संतान का कोई मामला है तो ये यहां पर इन सभी चीजों में सद प्रभाव देंगे और 3 गुना तेजी के साथ देंगे। कई बार देखा जाता है कि यहाँ पे संत उत्पत्ति में संतान उत्पत्ति में कोई जो बाधाएं वो आ रही हैं तो यहाँ पर रेट्रोग्रेड मरकरी जो है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अब हम 6th हाउस के अंदर जो बनने वाला योग यानी रेट्रोग्रेड यहाँ पर मरकरी की स्थिति अगर बनती है यहाँ पर वो आते हैं या गोचर बस है या जन्म कुंडली के आधार पर है तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि आपका कहीं ना कहीं जो चाहे वो कर्ज लेने की बात हो या फिर लोन आदि का कोई मामला हो या उसको चुकाने की कोई बात हो तो इन तमाम चीजों के अंदर कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो यहाँ पर बुध हमें सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कुल मिलाकर हमें जो इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर छल छद्म की स्थितियां अगर कोई ग्रह यहाँ पर इस प्रकार का बैठा हुआ तो यहाँ से हमें इन चीजों को भी देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम अगर बात करें जो हमारा मामा का पक्ष होता है ननिहाल का पक्ष होता है या फिर विवाद का कोई मामला है वो सब हम यहाँ से देखते हैं। तो कोई विवाद है कोई तो उसको संवाद के रूप में जो है बुध यहाँ पर आकर जो है परिणित कर सकता है। तो यानी कुल मिलाकर ये यहाँ पर सकारात्मक इफेक्ट देगा कब, अगर बुध की स्तुति आधार जो है आपकी जन्म कुंडली में सही है, गोचर में भी वो तभी आपको अच्छा फल परिणाम करेंगे और अगर वो उसकी कुंडली के अंदर स्थिति ठीक नहीं है तो अगोचर में आने पर भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलना संभव नहीं हो पाएगा। अब हम 7th हाउस में प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, अगर 7th हाउस में इनकी स्थिति जो है गोचर बस बन रही है या जन्मकालिक स्थिति वहां पर बनी हुई है तो यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं हम मैरिड लाइफ मान लेते हैं, लव लाइफ मान लेते हैं या बिजनेस के लिए भी हम यहाँ से जो है विचार करते हैं, गुप्तांगों का हम यहाँ पर विचार करते हैं और स्त्री कोई भी हो चाहे हमारे जीवन में पत्नी का स्थान हो या फिर अदरवाइज किसी भी रूप में हम जो स्त्री को देखें तो उन सब का लाभ भी क्या यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब चीजें भी हमें कहीं ना कहीं 7th हाउस से ही हमें देखना चाहिए। व्यवसाय से जुड़ा हुआ बड़ा एक बड़ा ही मतलब जो है क्योंकि एक तो बुध है
व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, दूसरा सेवंथ हाउस है। तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं हम अगर विचार करें तो हमें यहाँ से विचार करना चाहिए। खान पान की बात करें, दैनिक स्थिति परिस्थिति की बात करें, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बुध आपको अच्छे इफेक्ट कब प्रदान होंगे, जब आपका बुध यहाँ पर अच्छा रहेगा। रेट्रोग्रेड होने पर भी ये आपको यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देंगे और तीन गुना तेजी के साथ देंगे। एट्थ हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट होती है तो आप ये मान करके चलें कि आठवें घर के अंदर अगर वो बैठे हुए हैं तो तब क्या स्थिति रहेगी। ऐसे में जो है आपको कहीं ना कहीं अगर कोई कोई रोग की स्थिति है, कोई रोग आपको सता रहा था, कोई समस्याएं बनी थी, कोई विवाद बना हुआ था, तो उस सब से आपको यहाँ छुटकारा मिलने की स्थिति में ये जो है आपको लेकर के जाएगा। जो डर है या भय, आपको अज्ञात भय बना हुआ, उससे आपको निजात दिलाएगा। कहीं ना कहीं कोई रिसर्च आप कर रहे हैं तो आपको उसमें सपोर्ट करेगा। अगर आप बात करें कोई लेखन कार्य कर रहे हैं, कोई प्रकाशन से संबंधित कोई चीज़ें आपके पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अब जो है ये धीरे धीरे पूर्ण करने की ओर बुध यहाँ पर चलेंगे। अगर नाइन्थ हाउस के अंदर हम बात कर लेते हैं, अगर वहाँ पर उनकी प्लेसमेंट होती है तो नवे भाव के अंदर यानी भाग्य भाव के अंदर ये आपके भाग्य को तीन गुना यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और जब सीधी सी बात है, भाग्य आपका आपके पक्ष में हो तो फैसले आपके पक्ष में होंगे, अवस्थाएं व्यवस्थाएं और जो समय होगा वो आपके पक्ष में चलता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के नाइन्थ हाउस के अंदर ये विशेष बेहतर स्थिति यहाँ पर हो सकती है। संतान का विचार भी हम यहाँ से कर लेते हैं, धन का है, भ्रमण आदि का है, जब तब पूजा पाठ दान आदि का है, तो उन सब चीजों को भी हम यहाँ से देखते हैं। और इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं वाणिज्य में है ये आपको अच्छा यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम टेंथ हाउस की बात कर लेते हैं, दशम के अंदर अगर स्थिति वो बन रही है, यहाँ पर रेट्रोग्रेड मर्करी की स्थिति है, दशम भाव के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कोई काम है तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। ट्रांसफर का कोई मामला है तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन की बात हो सकती है। अगर हम बात करें सरकार के पक्ष से कोई लाभ आप लेना चाह रहे हैं तो उसका लाभ यहाँ पर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर दशम के अंदर भी ये जो बुध की स्थिति रेट्रोग्रेड रहेगी, वक्री रहेंगे, आपको इसका यहाँ पर प्रभाव अच्छा मिलने वाला है। चाहे पिता के साथ संबंधों की बात करें या फिर कोई किसी प्रकार के टेंडर की हम बात करें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सकारात्मक रहेंगी। अब हम लाभ भाव के अंदर बात कर लेते हैं, यानी एकादश भाव के अंदर। 11th हाउस के अंदर अगर स्थिति बुध की वक्रीय रूप में रहती है और अच्छे सक्रिय रूप में यहाँ पर बुध हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपकी अर्निंग के स्रोत बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाले हैं। व्यापार में कई गुना उन्नति यहाँ पर मिलेगी, मैनेजमेंट यहाँ पर आपका अच्छा बनता चला जाएगा। अगर हम बात करें उसके पंचम भाव के सामने सामने से उसका संबंध रहेगा, शिक्षा और बौद्धिक आपका जो क्षमताएं हैं वो यहाँ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। जो बच्चे हैं एजुकेशन फील्ड में कहीं ना कहीं, चाहे बेसिक हो चाहे वो हायर एजुकेशन की हम बात करें, तो उनके लिए भी बुध 11th हाउस के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और तीन गुना शक्ति सामर्थ्य के साथ वो यहाँ पर आपको फल देंगे। बस आपको करना क्या, आपको तैयारी करनी है, रिजल्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है, यह भी आपके पक्ष में है। अब आपको सक्रिय हो जाना है और मेहनत पर ध्यान दे रहे हैं तो स्वाभाविक अगला पक्ष रहमत आ जाता है। अब हम 12th हाउस के अंदर बात कर ले रहे हैं, मान लो ये मरकरी जो है आपके 12th हाउस के अंदर है, अब रेट्रोगेट होकर के बैठे, अब यहां पर खर्च की बाहुलता होगी। अच्छा, खर्च कब होगा, जब आमदनी होगी तभी तो खर्च होगा, तो यहां पर खर्च का भाव भी मजबूत होगा, लेकिन आपके जो धर्म कर्म की स्थिति है वो भी आपके यहाँ पर पुष्ट और बलविष्ट होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ सष्टम भाव के अंदर स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतरीन होगी, तो आप कहीं ना कहीं जमा सेविंग के लिए भी आप यहाँ पर विचार कर सकते, इन्वेस्ट के लिए कोई नया कार्य के लिए आपको जो है बुध यहाँ पर प्रेरित कर सकता है। तो ये यहाँ पर भी सकारात्मक आपको परिणाम देंगे, लेकिन ये सब तब होगा जब बुध आपके लिए कारक होंगे,